Friends, welcome to Khandelwal Maths Academy. In today's video, we'll be learning how to convert the given angles in radian measure and इसके बाद में हम देखेंगे how to convert the following given angles in degree measure. Okay? So starting with this third question, convert the following angles in radians. Class assignment देखो 16th number का sum -132 degree है. हमको इसको radian में convert करना है. So radian में जैसे ही convert करना होता है, हम given angle को pi by 180 से multiply करते हैं. So this -132 into pi by 180. अब दोनों ही यहाँ पे हमने 6 से डिवाइड किया. 6 3 18 और ये 0. 6 2 12 फिर से 1 बचेगा. 6 2 12 और ये फिर से दोनों 2 से डिवाइड होते हैं. 11 और 15 जा. तो -132 डिग्री विल बी -11 पाई बाय 15 रेडियन. अब यहां देखो आप, ये 40 डिग्री 48 मिनट्स है. पहले आपको इस मिनट्स को भी डिग्री में कन्वर्ट करना होगा. कैसे करेंगे हम? ये 40 डिग्री प्लस 48 मिनट है. एक मिनट यानी 1/60 डिग्री. तो 48 मिनट यानी 48/60 डिग्री होगा. इनको डिवाइड करो दोनों को. दोनों ही 12 के टेबल में आते हैं. 12 4 जा 12 5 जा तो 5/4 डिग्री. अब ये दोनों का डिग्री कॉमन ले लो आप. क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. 40 × 5 = 200 प्लस 4 204/5 डिग्री. अब आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करो. अब आप देखो यहां पे आपने दोनों को डिवाइड करना है. 204 और 180 किसके टेबल में आते हैं देखो. सो दिस इज 204 और 180. 6 से पहले डिवाइड करते हैं हम लोग. जैसे ये होगा 6 3 18 ओके और 2 बचेगा. 6 4 24 6 3 18 और ये 34/30 और ये दोनों ही फिर से 2 के टेबल में आते हैं. 17 और 15 तो 17/15 बचेगा. जैसे यहाँ पे 17 आ गया और ये 15 तो ये 17 पाई और 15 पाई 75. तो 40 डिग्री 48 मिनट्स इज 17 पाई/75 रेडियन. और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का क्वेश्चन. या आप सॉल्व करोगे 65 डिग्री 30 मिनट सेम प्रोसेस रहेगी. उसका आंसर आएगा 131 पाई/360 रेडियन. सो कन्वर्जन ऑफ द एंगल्स इनटू रेडियंस के कुछ होम असाइनमेंट है. 4 क्वेश्चंस ये आपको करना है. कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो या वो नंबर पे कॉल भी कर सकते हो. ओके, क्वेश्चन 4 में हम देखेंगे कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री. डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है. अब देखिए 23rd नंबर का सम -5 पाई/3 रेडियन है. रेडियन से डिग्री में जब हम आते हैं तो उस एंगल को हम 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं. तो इसे हमने 180/π से मल्टीप्लाई किया. π कैंसिल. 3 1 3 60 जा. Now 5 × 60 = 300 तो ये -300 डिग्री हो गया. 24th क्वेश्चन आप देखो 5 रेडियन. अब यहां पे जैसे आपने देखा यहां पे पाई था, यहां पे पाई नहीं है तो कोई डरने की बात नहीं है. इस पाई को आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/π से मल्टीप्लाई किया हमने तो ये आ गया 900/π डिग्री. बस यहां तक ही करना है. पर इन केस आप जब एमसीक्यू सॉल्व करते हो और आपको बोला है कि 5 रेडियन इज इक्वल टू - डिग्री और उसके ऑप्शन में ये है ही नहीं 900/π, मतलब 4 ऑप्शन है, चारों में कई पाए नहीं है, तो आपको क्या करना है? फिर आपको इसको फर्दर सॉल्व करना है. ओके, पाई यानी 22/7. अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका. मल्टीप्लाई जब होगा 900 × 7/22 दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं. 2 11 2 4 50 जा. सो 4 15 × 7/11 एंड 4 15 × 7 = 3150. तो 5 रेडियन इज 3150/11 डिग्री. लेकिन जब आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो आपके पेपर्स के लिए सब्जेक्टिव के लिए तो यही तक करो, मार्क्स मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये बस मैं आपको इसलिए बताया कि एमसीक्यूज जब आप देखते हो और एमसीक्यूज देखते वक्त अगर आपको ऐसा कुछ आ गया 900/π तो आपका आंसर आ रहा है पर ऑप्शन में ऐसा कुछ है ही नहीं तो आपको पाई 22/7 लेके फिर आगे फर्दर सॉल्व करना है. ओके, 25th सम देखिए आप. -1/4 रेडियन है. आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली इस -1/4 को आप 180/π से मल्टीप्लाई करोगे. 4 1 4 45 जा तो ये -45/π रेडियन आ गया. ओके, यहां तक ही सॉल्व करना है. सब्जेक्टिव जब सॉल्व करोगे इसके आगे कर सकते हैं. पाई एन 22/7 अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो -45 × 7/22. 45 × 7 = 315. सो -1/4 रेडियन इज -315/22 डिग्री. अब आप देखो मैं जैसे आपको बोल रहा हूं सब्जेक्टिव में आप सॉल्व करते वक्त यहां तक भी सॉल्व कर लिया तो चलेगा, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे. लेकिन यहां तक ही करो सॉल्व, पूरे मार्क्स मिलेंगे. ये बस मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा आगे हो सकता है जो मैंने आपको पिछले समय बताया कि एमसीक्यू के रूप से मैं आपको समझा रहा हूं. ओके, 26th क्वेश्चन देखो. 4/7 रेडियन.
यानी 4/7 इंटू 180 बाय पाई डिग्री। अब आप देखो 4 इंटू 180 720 अपॉन 7 पाई खत्म, यहां तक का आंसर चलेगा हमको, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब आपको अगर फर्दर सॉल्व करना है तो इस पाई को आप 22/7 लिखोगे, 7 कैंसिल, 720/22 दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं, यानी 360/11 डिग्री। तो 4/7 रेडियन इज 360/11 डिग्री। अब ये जो क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री, इसके होम असाइनमेंट के 4 क्वेश्चन है, आप ये सॉल्व करो और आप देखोगे ये जो 29th और 30th क्वेश्चन है इसके जो फाइनल आंसर है वो पाई के रूप में ही है। ओके, तो इनको पाई का वैल्यू 22/7 लेके आगे कोई जरूरत नहीं सॉल्व करने की, पाई तक ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं।